नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ नेचर एसेंस की गोल्ड फेशियल किट शेयर की थी, जो कि सिर्फ 80 रुपीस का MRP रखती है, और उस वीडियो को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई फेशियल किट ट्राई की जाए। आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं एक नई फेशियल किट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जो फेशियल किट जिसका डेमो मैं आज करूंगी या जिसे आज मैं ट्राई करूंगी वो भी है बाय द ब्रांड नेचर एसेंस, और वो है उनकी डायमंड फेशियल किट। अब जो गोल्ड फेशियल किट थी उसके अंदर क्वांटिटी बहुत कम थी और वो सिर्फ 80 रुपीस के MRP रखती थी, बट ये जो पर्टिकुलर डायमंड फेशियल किट है इसका जो रिटेल प्राइस है वो 260 रुपीस है। आप चाहें तो इसे डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं, बट इसका रिटेल प्राइस 260 रुपीस है। तो आज के वीडियो में हम ये पर्टिकुलर फेशियल किट ट्राई करेंगे। मैं ये बॉक्स ऑलरेडी खोल चुकी हूँ लेकिन मैंने ये किट ट्राई नहीं की है अभी तक, मैंने प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए हैं, बट हाँ मैंने ओपन करके जरूर देखा था कि ये कैसी ट्यूब्स हैं या किस तरीके का दिखता है। तो बाकी बात करने से पहले या एक्चुअल फेशियल ट्राई करने से पहले आइए बात करते हैं इसकी पैकेजिंग के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हैं एक सिंपल सा बॉक्स है। अगर आप इस बॉक्स को टर्न करते हैं तो जो प्रोडक्ट की डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाती हैं, कितने स्टेप्स हैं, क्या क्या करना है, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, और यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मेंशन्ड है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट्स अपने फेस पे यूज़ करते हैं भले ही वो मेकअप हो या स्किन केयर हो, उसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। तो ये तो है सारी डिटेल्स जो बॉक्स में मेंशन्ड है। अब देखते हैं इसकी एक्चुअल ट्यूब्स कैसी हैं। तो अगर आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग आपको दिखेगी। चार स्टेप का ये प्रोसीजर है, ये बेसिकली चार स्टेप्स हैं जो हमें करने हैं फेशियल के टाइम, और ये एक प्री फेशियल किट है जो हमें फर्स्ट स्टेप से पहले करना है। जो प्री स्टेप है जो हमें अपने मेन स्टेप से पहले करना है वो एक्चुअली एक डी टैन थेरेपी वाइप ऑफ मास्क है, और वो कैसे यूज़ करना है वो मैं सब आपको भी करके दिखाऊंगी। और ये पर्टिकुलर वाला जैसे कि नेचर एसेंस वाला था वो एक सिंगल टाइम यूज़ किट था, बट ये पर्टिकुलर वाला जो पैक है ये एक थ्री टाइम यूज़ किट है, और वो यहाँ पे बॉक्स पे ऑलरेडी मैंशन है। ये जो पूरा फेशियल का जो टाइम लेंथ है ये एक 45 मिनट्स का फेशियल टाइम लेंथ है, जिसके अंदर हमें जो पहला स्टेप है वो 15 मिनट्स के लिए रखना है। जो फेस क्लेंजर है वो 5 मिनट्स का है, इन स्टेप 15 मिनट्स, देन अगेन 10 मिनट्स, और जो फाइनल लास्ट स्टेप है उसको हमें एज अ लीव ऑन मॉइस्चराइजर के तौर पे छोड़ देना है, मतलब उसको क्लीन नहीं करना है। तो क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है तो बिना ज़्यादा बात करते हो आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा बहुत जो मेकअप किया हुआ है उसे मुझे रिमूव करना है, तो मैं फटाफट से इस मेकअप को रिमूव करके आती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप। मैं अपना मेकअप रिमूव कर चुकी हूँ और मेरे फोरहेड पे जो ब्रेकआउट्स हो रहे हैं वो आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे। ये भी पता लग जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर फेशियल किट है ये ब्रेकआउट्स के ड्यूरेशन में या फिर अगर आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है तो उस पर कैसे काम करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले स्टेप से। तो जो सबसे पहला स्टेप है एक्चुअली जो प्री फेशियल स्टेप जिसके बारे में मैं बता रही थी वो है ये डी टैन थेरेपी वाइप ऑफ मास्क, और ये बेसिकली एक टैन रिमूवल मास्क है, डी टैन मास्क है, और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए काम करता है जैसा कि इसके ऊपर मेंशनड है। मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेयर हैंड से अप्लाई नहीं करूंगी, इसको अप्लाई करने के लिए मैं एक ब्रश का इस्तेमाल करूंगी। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर हम ब्रश से किसी प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं तो वो बेहतर तरीके से अप्लाई हो पाते हैं। ये कम्प्लीटली सील्ड है, मैंने इसे पहले ट्राई नहीं किया हुआ है, तो मैं इसकी सील को ओपन करूंगी और थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो अपने ब्रश पे निकालूंगी। मैंने समहाउ ये एक्सपेक्ट किया था कि एक येलो कलर का क्रीम होगा, बट ये व्हाइट कलर का है, और इसे मैं अपने जस्ट फेस पे अप्लाई करूंगी। इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को 15 मिनट के लिए रखना है और उसके बाद इसे वाइप कर देना है। तो 15 मिनट ये लगाने के बाद मैं इसे 15 मिनट का टाइमर लगा के छोड़ दूंगी, और उसके बाद 15 मिनट बाद जब इसको वॉश करने का टाइम आएगा तो वॉश करने के बाद मैं आप लोगों से आके मिलूंगी। मैंने प्रोडक्ट पूरी अच्छे तरीके से अपने फेस पे स्प्रेड कर लिया है और ब्रश काफ़ी हैंडी आया है ये करने के लिए, और इस पर्टिकुलर ट्यूब में एक्चुअली काफ़ी सारे प्रोडक्ट अभी भी बचा हुआ है। तो अब मैं जस्ट 15 मिनट्स का टाइमर अपने फ़ोन में लगाऊंगी एंड मैं आप लोगों से मिलती हूँ 15 मिनट बाद। मिनट हो गए थे, इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से 15 मिनट बाद उसे रिमूव करना था, तो मैंने एक वेट टिश्यू लेके अपना मास्क रिमूव कर लिया है। अब
टैनिंग में फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है वो तो मैं एग्जैक्टली नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन इस मास्क ने मुझे सर्टनली अपना एक्स्ट्रा जो मेकअप था उसको रिमूव करने में मदद जरूर की है। अब ये तो हो गया स्टेप वन, अब आइए चलते हैं स्टेप टू की तरफ, जो कि एक्चुअली स्टेप वन है क्योंकि वो एक प्री स्टेप था। अब जो स्टेप वन है इस पर्टिकुलर फेशियल किट का वो है एक क्लेंजर, और ये है ब्राइटनिंग डायमंड फेस क्लेंजर। और हमें इसे कैसे यूज करना है ये ट्यूब के पीछे दिया हुआ है, मैं एक बार इसको क्विकली पढ़ लेती हूँ। वैसे तो मुझे पता है क्लेंजर्स कैसे यूज किए जाते हैं, बट स्टिल मैं एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ। ओके, मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और ये एक नॉर्मल क्लेंजर की तरह ही है, बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये एग्जैक्टली एक जेल क्लेंजर है, बाकी क्लेंजर्स की तरह नहीं है। तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी एक्चुअली वाइट कलर में ही है। मैंने अपने जो वेट टिश्यू से फेस क्लीन किया था, मेरा फेस थोड़ा सा वेट है इस टाइम, और मैं इसे अप्लाई करूँगी। ये बहुत स्मूथ टेक्स्चर का नहीं है, इसके अंदर थोड़े से ग्रेन्स दिए हुए हैं जैसे कि लाइट या एवरीडे फेशियल स्क्रब्स में होते हैं। तो यस, मैं इसे अप्लाई करूंगी और उसके बाद इसको मैं वॉश करके अभी आप लोगों के साथ वापस आती हूँ। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब मैं उसे टॉवल की मदद से टैप ड्राई भी करने वाली हूँ। थोड़ा फेस क्लीन तो लग रहा है मेरा, बट उसका मेन रीज़न हो सकता है जो कि ग्रैन्यूल्स इसके अंदर दिए गए थे। एक लाइट स्क्रब की तरह फील किया मैंने, और इसकी खुशबू एक्चुअली काफ़ी अच्छी है। तो अगर आपकी नोज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, अगर आपको फ्रेग्रेंसेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस फेशियल क्लेंजर को यूज़ करते टाइम इन्जॉय करेंगे। अब आइए चलते हैं स्टेप टू की तरफ, जो कि है एक मसाज क्रीम। और इस मसाज क्रीम को अगेन जैसे नॉर्मली अप्लाई करते हैं वैसे ही करना है, लेकिन इसको 15 मिनट्स तक अपने फेस पे रब करना है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर ग्लिसरीन दिया गया है जो कि स्किन को स्मूथ और सॉफ्ट करेगा। इस मसाज क्रीम को हमें कम्प्लीटली 15 मिनट्स तक मसाज करते रहना है, अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करवाना है, और उसके बाद हमारा जो फेस है वो स्टेप थ्री के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। अगेन मैं इसको थोड़ा सा हाथ पे लूँगी, बाकी प्रोडक्ट्स की तरह ये भी वाइट कलर की ही टेक्सचर रखता है। बाकी प्रोडक्ट्स तो ठीक हैं, बट ये वाला जो मसाज क्रीम है ये पता नहीं 3 यूज़ तक चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। बट यस, मैंने इसे कम्प्लीटली अप्लाई कर लिया है, अब मैं इसे 15 मिनट्स तक मसाज करूँगी। और ख्याल रखिएगा, जब भी आप अपने फेस को मसाज करते हैं तो अपनी स्किन को अपवर्ड मोशन में मसाज कीजिए, कभी डाउनवर्ड मोशन में मत लाइए, इसको हमेशा अपवर्ड मोशन में मसाज कीजिए। और अपने जो आइज़ वाला एरिया है उसको हमेशा इस तरीके से मसाज करते हैं ताकि आपका जो स्किन है वो अपलिफ्टेड रहे और रिंकल्स पड़ने का जो रिस्क है वो कम से कम हो। अब मैं 15 मिनट्स तक अपनी स्किन को मसाज करती हूँ, खुद को पैम्पर करती हूँ, और आपसे मिलती हूँ 15 मिनट बाद। मुझे मसाज करते हुए तकरीबन 10 मिनट हुए हैं और मेरा जो फेस मास्क था, जो मसाज क्रीम थी, वो एक्चुअली ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो चुकी है। इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मुझे इसे वॉश नहीं करना है, इसलिए मैं इसे एग्जैक्टली वॉश तो नहीं कर रही हूँ, बट जो एक्स्ट्रा बची हुई है जैसे मेरे फोरहेड के पास है या जो अमाउंट मेरे बालों पर लग गया है, मेरे आईब्रोज पे है, मैं उसको थोड़ा सा क्विकली क्लीन करके नेक्स्ट स्टेप है विच इज़ स्टेप थ्री, मैं उसकी तरफ चलूँगी। अब जो स्टेप थ्री है वो एक ग्लो पैक है, और इस पैक को लगाने के बाद 10 मिनट तक इसको रखना है और उसके बाद इसको पानी से वॉश कर देना है। तो अगेन नया प्रोडक्ट है, मैं इसको फटाफट से खोल लेती हूँ और इस पैक को भी अपने ब्रश की मदद से मैं अपने फेस पे कम्प्लीटली अप्लाई करूँगी और उसके बाद 10 मिनट बाद इसे वॉश कर लूँगी। मैंने इस मास्क को अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अब 10 मिनट बाद इसको वॉश करने के बाद मैं आप लोगों से स्टेप 4 के लिए मिलती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, मेरा फेस काफ़ी क्लीन तो लग रहा है, और अगर मैं अपक्लोज देखती हूँ तो आप डायमंड ग्लो कह सकते हैं क्योंकि मेरे पूरे फेस पे छोटे छोटे स्पार्कल के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता कि एक्चुअली ये दिखना चाहिए या दूसरे तरह का ग्लो एक्सपेक्ट करना चाहिए था मुझे, बट फिलहाल के लिए आप बोल सकते हैं कि डायमंड ग्लो है। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो कि है एक पॉलिशिंग क्रीम, और इसको ये एक लीव इन क्रीम है, नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह जैसे होती है। इसको मैंने अपने हाथ में ले लिया है और जैसे मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करना है जैसा उसमें लिखा है। आई गेस मुझे शायद इतना नहीं लेना चाहिए था बिकॉज ये एक वाइट कलर छोड़ सकता है मेरी स्किन पे, और ये एक्चुअली प्रॉब्लम होती है लाइक सारे फेशियल किट्स के साथ, जो फाइनल जो लीव इन क्रीम होती है
वो एक वाइट कास्ट छोड़ जाती है। मुझे पहले भी ये इशू हुआ था और सेम इशू मुझे दोबारा ये लग रहा है। मैं इसे अच्छे से अपने फेस में और नेक पे एब्जॉर्ब करा के इसको अच्छे से लाइक मसाज करूँगी, एब्जॉर्ब कराऊँगी एंड फिर आपसे बात करती हूँ। ओके, सो जितना मैं इसे एब्जॉर्ब करा सकती थी अपने स्किन में मैंने एब्जॉर्ब करा लिया है और इस तरीके की मेरे स्किन कुछ लग रही है। आपने पहले मेरी स्किन कैसी लग रही थी वो देखा है और अब मेरी स्किन कैसी लग रही है आप वो भी देख पा रहे होंगे। तो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है ये किट वर्थ है, क्या मेरे फेस पे एक्चुअली आप कोई डायमंड ग्लो देख पा रहे हैं। पर्सनली मुझे ये किट उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, कोई खास वजह नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइक टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थी, 45 मिनट्स लगे थे। बट मैं पार्लर जाके करना एक्चुअली ज़्यादा प्रेफर करूँगी और रादर मैं जो इसकी जो गोल्ड फेशियल किट है या इवन फॉर दैट मैटर जो पॉन्ड्स की फेशियल किट थी जो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जिसका रिव्यू भी मैं अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, अगर आपने वो रिव्यू अभी तक नहीं देखा है मैं उसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बट इसके कंपैरिजन में मुझे स्टिल वो वाली थोड़ी बेहतर लगी है। ये वाली ठीक है अगर आप लाइक कभी कभी अपने फेस को पैम्पर करना चाहते हैं, अपनी स्किन को पैम्पर करना चाहते हैं, बट ये जो पार्लर के फेशियल्स होते हैं उनको एक्चुअली रिप्लेस नहीं करती है। मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई फील कर रही है जो कि फेशियल के बाद नहीं होना चाहिए, बट यस मैं थोड़ा खिंचाव फील कर रही हूँ अपने इस एरिया में एंड आई थिंक मुझे अपना रेगुलर मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ेगा बेहतर फील करने के लिए। तो ये थे मेरे सारे थॉट्स इस पर्टिकुलर डायमंड फेशियल किट के बारे में जो कि है बाय द ब्रांड नेचर एसेंस। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद है या इस टाइप की कोई और पर्टिकुलर वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, नमस्ते।